मणिपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी इन दिनों सातवें आसमान पर है। जी हाँ, कामयाबी की जो सीढ़ियां काजल राघवानी चल रही है इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोई उनका सानी वैसे भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से काजल राघवानी के बारे में आपको इतनी सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें क्यों बता रहे हैं। तो आइए हम आपको पहले एक चीज दिखाते हैं। पहले देखिए कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह की फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया का पहले वाला पोस्टर, और अब देखिए बाद वाला पोस्टर। पहले में अक्षरा सिंह है इस फिल्म में और बाद वाले में काजल राघवानी। आपको अब हम पूरा माजरा समझाते हैं। इस फिल्म में अक्षरा सिंह तब थी जब पवन सिंह के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, और अब इस फिल्म में काजल राघवानी तब है जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। आपको बता दें, एक ही नहीं, काजल राघवानी पवन सिंह के साथ इन दिनों दो दो फिल्मों में साथ नजर आएंगी। वैसे आपको बता दें कि संघर्ष की जबरदस्त कामयाबी को ध्यान में रखते हुए भी काजल राघवानी को पवन सिंह के साथ दो फिल्मों में साइन किया गया है। वैसे भी इससे पहले काजल राघवानी और पवन सिंह की जोड़ी को भोजपुरिया पर्दे पर उनके दर्शक काफी पसंद कर चुके हैं। वैसे बताया जा रहा है कि काजल राघवानी ने ये अक्षरा सिंह से जबरदस्त वाला बदला लिया है। कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के साथ अक्षरा सिंह बलम जी आई लव यू में एक आइटम नंबर कर रही है, जो कि काजल राघवानी कभी नहीं चाहती थी। और फिर खेसारी लाल यादव के साथ वो बकायदा एक फिल्म कर रही है जिसमें उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट चार्ज किया है, जो कि काजल राघवानी को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। भोजपुरी के इनसाइड खबरों की माने तो काजल राघवानी इस बात से नाराज है कि अगर खेसारी लाल यादव के साथ अक्षरा सिंह की जोड़ी फिर से भोजपुरिया पर्दे पर जम गई तो काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी की जो पॉपुलरिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि दर्शक अक्षरा सिंह को खेसारी लाल यादव के साथ किस कदर पसंद करते हैं ये आप सबको हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह को नीचा दिखाने के लिए, या यूं कह ले कि मौके पर चौका मार दिया है, काजल राघवानी ने लगातार पवन सिंह के साथ दो फिल्में साइन करके भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।